हेलो बच्चों, तो भारतीय देवी इंटरमीडिएट का लेते हैं ऑनलाइन क्लास में। आज मैं कक्षा 12 के बच्चों का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत आज चैप्टर 2 का यानी दूसरे पाठ का पढ़ेंगे, राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर, सबसे पहले हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़े हैं और जान चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग जानेंगे वो नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता का काल लगभग 5000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक बताया गया है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक अर्थात 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आप लोग देखेंगे तो भारत में वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता आपका नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता में आप लोग गांव में छोटे छोटे गांव में लोग गांव नहीं कहें उनको कबीले यानी छोटे छोटे कबीले में कबीले में लोग अपना जीवन यापन करते थे। बाद में कबीले का जो स्वामी होता था अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए एक दूसरे कबीले पर अटैक करता था और फिर उस कबीलों को अपने कबीले में मिला। इस प्रकार आप लोग देखेंगे ऐसे छोटे छोटे कबीलों को मिला करके एक बड़ा सा कबीला बना। एक कबीले बाद में जनपद कहलाए। इसी तरह छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर एक बहुत विशाल जनपद बनाया गया जो महाजनपद कहलाया। आप छठी शताब्दी ईसा पूर्व के विषय में जानेंगे तो उसके उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले भारत में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में आप लोग देखेंगे मगध जो जनपद था, मगध ये जनपद महाजनपद, महाजनपद में जो मगध था, मगध ये मगध बहुत विशाल महाजनपदों में था। यानी मगध से भारतीय इतिहास को पढ़ा जाता है। अब आता है मगध महाजनपद में या मगध साम्राज्य में पहला वंश कौन सा था? क्या आप लोग ये देखेंगे पहला वंश देखा जाए मगध साम्राज्य में तो हर्यक वंश, हर्यक वंश था। कौन था? हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश में देखेंगे, हर्यक वंश में देखेंगे तो तीन राजा मिलते हैं। पहला बिंदुसार था, उसका पुत्र अजातशत्रु था और उसका पुत्र उदयन था। बिंदुसार को मार करके उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। उसी तरह अजातशत्रु को मार करके उदयन गद्दी पर बैठा। अब इसके बाद आता है हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में आप लोग देखेंगे तो इसका संस्थापक था शिशुनाग और एक और राजा इसमें बहुत प्रतापी था जिसका नाम है कालस। शिशुनाग वंश के बाद आता है, अब इसके बाद आता है नंद वंश। तीसरा क्या है? नंद वंश। नंद वंश की स्थापना करने वाले महापद्मानंद, महापद्मानंद थे, महापद्मानंद। उसके बाद सबसे अंतिम शासक को देखा जाए सबसे प्रतापी शासक था तो घनानंद था। घनानंद के समय में मगध साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था। इसकी विशाल सेनाएं थी, इसकी विशाल सेनाओं को देखकर कोई बाहरी व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करना चाहता था। इस प्रकार देखा जाए तो नंद वंश का जो घनानंद था बहुत ही घमंडी शासक हो गया था, क्योंकि इस पर अधिकार करने का किसी की था नहीं होती थी। अब इसके बाद चौथा आता है मौर्य वंश।
चौथा आप लोग देखेंगे तो वो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की संस्थापना करने के लिए उनके गुरु चाणक्य ने बहुत भूमिका निभाई थी। चाणक्य जो है घनानंद के दरबार में रहते थे, लेकिन घनानंद ने चाणक्य का परिहास करके उनकी चोटी यहाँ तक पकड़ करके अपने राज्य से निकाल दिया था। और चाणक्य अर्थात कौपीन अर्थात विष्णुगुप्त उनका तीन नाम है। तो चाणक्य घनानंद नंद वंश को विनाश करने के लिए प्रतिज्ञा ली और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर नंद वंश का विनाश किया और वंश और मौर्य वंश की स्थापना करवाया। तो मौर्य वंश का प्रथम शासन था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक हुए। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बहुत धर्म अपना लिए थे, इसलिए मौर्य वंश की पतन होने लगा और इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ को मारकर उसका सेनापति जो कुशयमी कृष्ण ने शुंग वंश किया था। पांचवा क्या है? शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना करने वाला कुशयमी कृष्ण था। उसके बाद आता है कर्ण वंश। ये सब छोटे छोटे दिनों तक है, छोटे सब विदेशी अब बीच में विदेशी लोग आए अपना अधिकार जमाए, उसमें कर्ण वंश, उसके बाद शक वंश, कुषाण वंश, राजा थे और थोड़े समय तक रहे। सातवाहन वंश ये सब अगर देखा जाए तो ब्राह्मण वंश ही थे, हिंदू वंश से ये ब्राह्मण यहाँ के वंश थे। सातवाहन वंश में आप लोग देखेंगे, शुंग वंश सर्व वंश में देखेंगे तो आप विक्रम संवत विक्रम संवत को स्थापित करने वाले थे। कुषाण वंश का कनिष्ठ था और सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र सत्कर्णी था। सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र सत्कर्णी का नाम आता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे दूसरी और तीसरी शताब्दियों में तो एक हिंदू वंश आया जिसका नाम था गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना करने वाले श्री गुप्त थे। श्री गुप्त के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आप लोग विक्रमादित्य के बारे में बहुत से कहानियां पढ़े होंगे, बहुत से नाटकों में देखे होंगे। ये जो सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे वही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। अब उसके बाद गुप्त वंश में स्कंद गुप्त कुमार गुप्त आदि शासक हुए। उसके बाद अगला वंश जो आता है बर्धन। बर्धन वंश में आप राजवर्धन और हर्षवर्धन का नाम सुने होंगे। हर्षवर्धन इस वंश का प्रतापी शासक था और इलाहाबाद के नाग मेले में हर 5 वर्ष के बाद आया करते थे और वहाँ पर दान किया करते थे। हर्षवर्धन के बाद विदेशी इस्लामों का आक्रमण भारत पर होता है और उसके बाद यहाँ के
शासकों का बल समाप्त हो जाता है। इसके बाद जब मुस्लिम शासक आते हैं उसके बाद ये हमारा मॉडर्न युग प्रारंभ होता है अर्थात मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ होता है यानी वर्धन पक्ष तक हमारा प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री चलती है। तो आप लोगों को ये जो हड़प्पा से लेकर अब तक का रूपरेखा आप लोग को इस वीडियो में बताए हैं और राजा किसान और नगर के अंतर्गत था। और फिर इसी का अगला वीडियो हम अगले दिन डालेंगे। जहाँ तक हम यही आशा करते हैं आप लोग इन वर्षों के विषय में जान चुके होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।